हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अमीशी होनावर का नमस्कार। आज मैं नील और निक्की की कहानी लाई हूँ जो बड़ी दिलचस्प है। नील और निक्की 5 ईयर्स से रिलेशनशिप में थे। दोनों में जैसे सब में होता है वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे, पर सबसे बड़ा निक्की में नेगेटिव पॉइंट था कि वो नेत्रहीन यानी कि ब्लाइंड थी, और नील का जो नेगेटिव पॉइंट था कि वो पैसे वाला नहीं था, वो मिडिल क्लास का और थोड़ा ओके दिखने वाला लड़का था। अभी 5 साल के बाद जब दोनों का ये डिसाइड होता है कि हम शादी करते हैं, तो नील उससे 1 महीने का टाइम मांगता है, और उस 1 महीने में उसकी मम्मी बीमार हो जाती है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने प्यार को ही ये आंखें दे दूँ, हमेशा उसको देखूँगा तो मेरी आँखें मेरे पास भी रहेगी, उसको आँखें मिल जाएगी निकी को, और मेरी मम्मी को पैसे मिल जाएंगे। तो अपनी आँखों का डोनेशन का बात वो डॉक्टर से करता है और बोलता है कि आप ये बात गुप्त रखिए, सीक्रेट रखिए और मुझे पैसे दे दीजिए। अब निकी को पता नहीं था कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया और आंखें नील की लगी है, पर उसने अपना सुंदरता वाला चेहरा पहली बार खुद ने देखा और उसको बड़ा गुमान आ गया, अहंकार आ गया, और थोड़ी मतलब अलग सी उसको फीलिंग आई। और वो बाद में जब नील को मिलती है तो उसको लगता है कि अरे नील तो बड़ा साधारण सा लड़का है, पैसे भी ठीक ठाक कमाता है, तो मैं क्यों उससे शादी करूँ, मुझे तो मैं सुंदर हूँ, मुझे कोई भी मिल जाएगा। ऐसी सोच के साथ निकी ब्रेकअप कर लेती है। नील बहुत समझाता है लेकिन निकी मानती नहीं है, तो फाइनली नील और उसका ब्रेकअप हो जाता है। तो जाते जाते नील बोलता है मेरी दोनों आँखों का ख्याल करना। तभी निकी को पता चलता है कि आँखें नील ने डोनेट की है और उसने कुर्बानी किया है कि निकी को दिखाई दे, अपनी माँ को पैसे मिल जाए। और उसने सोचा था कि वो अगर अंधा भी हो जाएगा तो निकी है उसकी लाइफ में जो उसको सारा कुछ दिखा देगी, लेकिन ये तो पूरा स्टोरी में ट्विस्ट आ गया, टर्न हो गया और शादी कैंसिल हो गई। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास होता है वो बहुत कीमती होता है, और ये जो कीमती चीज़ें होती है ना, वो पैसे, जेवर, गाड़ी बंगला नहीं होती है। ये कीमती चीज़ें होती है जैसे कि हमारा साथ देने वाला कोई, हमें कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले, ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखती है, क्योंकि सुंदरता, गाड़ी बंगला तो कभी ना कभी ख़त्म होने वाली बात है। तो यही सीख के साथ आई हूँ अमीशी होनावर, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर माई वीडियो। This is Amishi Honawar signing off. Goodbye. I hope you like my video. Thank you.